Now let's start the introduction of exercise 3.2. But before that, please make sure that you have watched all the video till part 2 before going ahead. So exercise 3.2 के introduction में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसे देख लेते हैं. So topic to be covered, exercise 3.2 operation on matrices पे based है. ये operation of matrices को आप algebra of matrices भी कह सकते हैं, ये algebra of matrices ही है. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें आप चार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फोर कॉन्सेप्ट. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, मीन्स स्केलर मीन्स अ क्वान्टिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं, नंबर भी क्या है, स्केलर क्वान्टिटी है. तो एक मैट्रिसेस को कैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे. फिर देखेंगे हम लोग कैसे दो मैट्रिसेस को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस. सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर होगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, और फिर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को देखेंगे. और ये 1, 2, 3 एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, एक नंबर से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिसेस को. फिर उसी की प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. और फिर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, मैं समझाऊंगा ये क्या है. और ये 4, 5, 6 एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. फिर लास्टली हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे. तो 7 और 8 एक कॉन्सेप्ट पे है. लास्टली सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, तो सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में हम कुछ टाइप्स बता देंगे आपको मैट्रिसेस के, जो आपको मेंस के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा. तो सबसे आपको कॉन्सेंट्रेट करने वाला, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. सो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से. नाउ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज आवर फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट ऑपरेशन इन दिस एक्सरसाइज. सो देखते हैं ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है क्या. देखिए दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस, लेट्स से मैं इस बात को लिखता हूँ पहले, टू मैट्रिसेस, लेट्स से ए एंड बी कैन बी एडेड. दो मैट्रिसेस ए और बी को ऐड किया जा सकता है, बट एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आप उसे ऐड कर सकते हैं. वो कंडीशंस क्या है भाई, वो कंडीशंस ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए. बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर. दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, आप ऐड कर सकते हैं. ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप ऐड बिल्कुल ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट कि अब ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो नाउ ऐड करें कैसे, हाउ टू ऐड, ऐड करें कैसे, कैसे किया जाए ऐड. बहुत ही सिंपल, दोनों मैट्रिसेस के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, A11 को A11 के साथ, A21 को दूसरे मैट्रिक्स के A21 के साथ, A31 दूसरे मैट्रिक्स के A31 के साथ. इसी तरह सिमिलरली आपको करते चले जाना क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड. ऐड क्या करना है भाई, हाउ टू ऐड, तो कैसे करना है, सिंपल, ऐड द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ऐड द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी भी लिख सकते हैं, ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी. ये तो थी बातें कि कैसे ऐड कर सकते हैं. अब बात है कि जो लास्टली जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ऐड करने के बाद, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होगा जैसा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा. क्लियर. सो लास्टली
the resultant matrix is in the same resultant lastly the resultant matrix is in the same order as A and B. So lastly the resultant matrix is in the same order. Lastly जो resultant matrix होगा वो भी same order में होंगे जैसे कि order A और B के थे. अब देखते हैं एक example के through ये सारी बातों को. Example देखते हैं. Example में मैंने जैसे एक matrix ले लिया simply A11 first row first column, A12 first row second column, याद है ना जी. हाँ ये first row third column, हाँ ये second row first column, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ये एक मैट्रिक्स हो गई जिसकी ऑर्डर 2/3 की है. नाउ मैं एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ B21, B22, B23. सो ये भी एक मैट्रिक्स हो गई जिसकी ऑर्डर 2/3 की है. क्लियर. नाउ इसका एडिशन ए प्लस बी होगा क्या? देखिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल हाँ सेम है. सो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जब सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, मीन्स A11 को B11 के साथ. समझ में आ रहा ना? इसको इससे, इसे इसके साथ, इसको इसके साथ. क्लियर है ना? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A12 को B12 के साथ, A13 को B13 के साथ, और इसे भी उसी तरह से A21 को B21 के साथ, A22 को B22 के साथ, A23 को B23 के साथ. इस तरह से आपको ऐड करना है. सिंपल है, बहुत ही सिंपल. और ये सारे के सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे रिजल्टेंट, जो ऐड कर लीजिएगा तो. और ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 2/3 का ही है, 2 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3. क्लियर. एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल्स एक देखा जाए और एग्जांपल ऐसा किया जाए कि एक्सरसाइज से ही ले लिया जाए, बुक से ही ले लिया जाए. सो जिससे कि क्वेश्चंस करवाने टाइम, सॉल्यूशंस करवाने टाइम, सॉल्यूशंस करवाने टाइम क्या हो कि मुझे क्यूट करने में आसानी हो कुछ क्वेश्चंस को, और उसकी जगह पे कुछ नई कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा, है ना. सो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको लिखा है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए. ये दो मैट्रिसेस हैं. कंप्यूट करना है इसे आप. तो ये दो मैट्रिसेस, सबसे पहले ये दोनों को ऐड करना है. मुझे पता है यहाँ दिख रहा है एडिशन का साइन. हाँ तो देखेंगे क्या कि सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. तो कंडीशन क्या है? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए. देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/2 के हैं या नहीं है? बिल्कुल ही है. ऐड कर सकते हैं हम, एप्लीकेबल है, ऐड किया जा सकता है. अब कैसे ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ए को यहाँ ए के साथ, ये बी को ये बी के साथ, गुड, ये माइनस बी को ये बी के साथ, ये ए को इस ए के साथ, वेरी गुड. नेक्स्ट ऐड कर लिया जाए 2a 2b 0 2a. इसका भी ऑर्डर 2/2, दो मैट्रिसेस थे जिसे ऐड किया जा सकता है क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है. ऐड कैसे करना है? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो सेम ऑर्डर का आएगा जैसे ये और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है. क्लियर. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज से ही. सो इसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे. सो नाउ क्वेश्चंस लेते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट. सो ये क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5.
ये क्वेश्चंस हो गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसके सामने मैट्रिसेस है एक और, ठीक है 805 324, ये दो मैट्रिसेस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और बोल रहा है कि इसे आप ऐड कीजिए, कंप्यूट कीजिए। ये भी टू का फर्स्ट पार्ट था, ये टू का सेकंड पार्ट है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। सो हाँ, ये इसको आप ऐड कर सकते हैं या नहीं, ये दो मैट्रिसेस को ऐड करना है आपको। सो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है या नहीं। तो सेम है बिल्कुल, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3x3 ऑर्डर के हैं दोनों मैट्रिसेस। सो वी कैन ऐड, तो ऐड कैसे करना है, माइनस वन को 12 के साथ, 4 को 7 के साथ, माइनस 6 को 6 के साथ, 8 को यहाँ भी 8 ही है 8 के साथ, 5 को 0 के साथ, 16 को 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 8 को 2 के साथ, एंड लास्टली 5 प्लस 4। अब ऐड करके देख लेते हैं। सो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिखता हूँ मैं। सो इसका आंसर 11, यहाँ पे भी 11, 0, 16, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 10 एंड लास्टली 9। सो ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया जिसको ऑर्डर भी 3x3 का ही है, 3 रो 3 कॉलम। सो ये दो मैट्रिसेस थे, इनको ऐड करना था। तो सबसे पहले मैंने देखा कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम थे, ऐड किया कैसे, क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, और जो लास्ट में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए इसके भी ऑर्डर सेम हो गए। सो क्लियर है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यहीं पे देख लेते हैं। सो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी वही कंडीशंस चलेंगी जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हो रही हैं। जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कंडीशन है वही एकदम सेम टू सेम एज इट इज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे भी दो मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, दो मैट्रिसेस ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सेम कंडीशन, बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने चाहिए, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल ही। हाउ टू सब्ट्रैक्ट, अब बात है कि सब्ट्रैक्ट करें कैसे, सब्ट्रैक्ट क्या रे कैसे। तो सिंपल यहाँ पे वही बात है, सब्ट्रैक्ट द क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिसेस ए और बी का क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन लास्टली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा यहाँ पे भी जैसा, ठीक है क्लियर है। लास्टली द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज इन द सेम ऑर्डर एज ए एंड बी, ये अलग लाइन है थोड़ा देख कौन सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो क्लियर है, दो मैट्रिसेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है। दोनों को ऐड कैसे करना है, तो क्रॉसबॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है जैसे ऐड में करते थे हम लोग, उसी तरह से लास्टली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम आएगा जैसा कि ए और बी मैट्रिसेस के ऑर्डर होंगे। मैं इस काम को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को एग्जांपल मैं इसी को करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे ए माइनस बी होता तो सबसे पहले मुझे यही देखना होता है ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। हाँ बिल्कुल ही सेम है, जब सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाता है ए माइनस बी माइनस बी, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन हो जाएगा बस और कुछ नहीं, और आपका रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -2b, यहाँ पे भी 0। ये एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जिसकी ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी जिसकी ऑर्डर 2x2 की है, बिल्कुल ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इस तरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी अगर माइनस का साइन रहता तो या दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है या नहीं है, बिल्कुल ही, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे भी, तो प्लस की जगह पे सिंपली कुछ नहीं माइनस कर दें, प्लस की जगह पे सारे क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट प्लस की जगह पे माइनस, सिंपल है बहुत ही, समझ में आ रही होगी आपको बातें, और पूरी आंसर आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13, यहाँ पे -3, यहाँ पे -12, यहाँ पे 0, 5, 11, -1, 6 एंड लास्ट 1। ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसकी ऑर्डर 3 बाई
थ्री की है। सो बहुत ही सिंपल है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, तो ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल ही आसान है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन के। मैंने यहाँ पे चार प्रॉपर्टी लिख रखे हैं। पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे फोर प्रॉपर्टी लिख रखी है। हमें यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन किस वाले प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है और किस में एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स एडिशन देखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव मीन्स होता है एक्सचेंजेबल। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की पोजीशन एक्सचेंज होगी। मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है। सो आप पहले मैट्रिसेस को ए मान लीजिए, दूसरे मैट्रिसेस को बी मान लीजिए। तो आप ए प्लस बी कीजिए या फिर बी प्लस ए कीजिए, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल आने वाली है, सेम आने वाली है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिसेस हैं दोनों के ऑर्डर सेम है, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होंगे। क्लियर? अब देख सकते हैं, मान लीजिए कि दो मैट्रिसेस ए और बी है। ए वन वन का एक एलिमेंट मैंने सिर्फ लिया है वन, और बी वन वन का मैंने एक एलिमेंट ले लिया टू। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करते हैं, आपको मालूम है। सो वन प्लस टू कीजिए या फिर टू प्लस वन कीजिए, आंसर तो सेम आने जा रहा है। उसी तरह पूरा मैट्रिक्स ले लीजिए सेम ऑर्डर की। ये काम आप खुद से कीजिए, दो मैट्रिसेस ले लिए सेम ऑर्डर के और दोनों को ऐड करके देखें, ए प्लस बी और बी प्लस ए, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वली मिलेंगे, श्योर है एकदम। ओके, नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना। तो फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस, मैंने कोई भी थ्री मैट्रिसेस ले लिया ए बी और सी, ये कोई भी तीन मैट्रिसेस ले लिया गया है ए बी सी, और तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो आप ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरह से कि पहले आपको ए प्लस बी ऐड करना है और इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएंगे उससे आपको सी को प्लस करना है, और यहाँ पे बी प्लस सी पहले करना है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएंगे बी प्लस सी से उसको आपको ए से प्लस करना है। सो दोनों तरफ से LHS और RHS साइड से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएंगे वो सेम ऑर्डर के आएंगे, आप इसे भी एक बार चेक करें बिल्कुल ही। सो नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए कि वापस से आपको ए ही आ जाए। सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या ऐड किया जाए कि वापस से आपको ए ही मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए आइडेंटिटी मीन्स होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, तो आपको रिजल्ट में सेम चीज़ चाहिए। सो ए में जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा ओ है ये। सो ए में जीरो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे वापस में आपको ए ही मिल जाएगा, या जीरो प्लस ए। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई एन का है, और एक मैट्रिक्स ओ है जिसका ऑर्डर m बाई एन का ही है, और ये नल मैट्रिक्स है ओ। सो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर यहाँ पे सेम है, ऑर्डर सेम है तभी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से आपको वही मैट्रिक्स दे देगा आइडेंटिटी। तो ये जो ओ मैट्रिक्स है मतलब जीरो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का होगा ये जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी। बस शर्त यही है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ये ए हटा दीजिए यहाँ से, किसी भी मैट्रिक्स का ये जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। सो ये एडिटिव इनवर्स क्या है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी आपने पढ़ा, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। यहाँ पे बोलता है कि ए मैट्रिक्स में क्या प्लस किया जाए कि आपको जो रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी आना चाहिए, वो एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए रिजल्ट में। क्लियर है ना? सो ए मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए, सो माइनस ए ऐड किया जाए, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का
निगेटिव, बस ए मैट्रिक्स में माइनस ए ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, या फिर इसे माइनस ए प्लस ए लिख लें। सो ये आपका जो माइनस ए होगा यहाँ पे, माइनस ए इज द एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। और इसे इस तरह से क्यों लिखा जाता है कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और इधर ही माइनस ए प्लस ए, और यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। ये लिखने का जो तरीका है ये बाइनरी ऑपरेशंस का है, ये बाइनरी ऑपरेशंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी, बट उसकी अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी लॉ है, बिल्कुल ही सिंपल। यहाँ पे माइनस ए क्या हो गया, एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हो गया, सिंपल। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए जो है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो गया, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। नौ, ये था लॉ, चार लॉ मैंने देखा मैट्रिक्स एडिशन पे। अब देखो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पे देख लो, यहीं पे यहीं के यहीं देख लो। सो सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, ठीक है। सो पहला लॉ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर ए माइनस बी करें आप और फिर b माइनस ए करें, दोनों के रिजल्ट अलग अलग आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल यही जो मैंने लिया था यहीं पे दिखाते हैं आपको, अगर आप 1 माइनस टू करें, ये a मैट्रिक्स के a 1 1 एलिमेंट थे और ये b मैट्रिक्स के a b 1 1 एलिमेंट है, दोनों के पोजीशन सेम है, या फिर 2 माइनस 1 करें, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आपको माइनस 1 आने जा रहा है और यहाँ से रिजल्ट आपको 1 आने जा रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। सो कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। मैंने शॉर्टकट में लिखा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, देखिए तीन मैट्रिसेस यहाँ पे भी होंगे। सो ऐसा पॉसिबल है कि आपको लगता है सब्ट्रैक्शन में, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सो ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, मैं ऐसे करूं और इसे ऐसे करूं, है ना, यही बात होगी ना, बस प्लस की जगह पे माइनस लगाए। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई, बिल्कुल ही नहीं हो सकते। देखिए ए माइनस बी माइनस सी, मैंने ब्रैकेट खोल लिया इधर भी, और जैसे ही इधर ब्रैकेट खोलेंगे इधर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, सो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्लियर है। सो तो एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो बोला जाए कि ए में क्या ऐड किया जाए कि वापस से ए आ जाए, ठीक है, जीरो, सही है बिल्कुल। ए में अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो वापस ए आ जाएगा, बट यहाँ क्या होगा, जीरो माइनस ए इस साइड नहीं, जीरो माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा, सो यहीं पे गलत हो गया। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी इज, या फिर सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर यहाँ पे। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब स्केलर समझ ही रहे होंगे, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। सो आपको यहाँ पे देखना है कि एक मैट्रिक्स का स्केलर से, आप यहाँ पे स्केलर को नंबर समझें,
स्केलर मीन्स नंबर समझो। सो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सीखना है आपको। और मैं ये बता दूँ आपको कि एक मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है और स्केलर कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई भी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो अब बात है कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये चीज़ सीखते हैं। तो सिंपल है, एक मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन इस तरह करना है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा उस स्केलर से। सो जो लास्टली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, वो एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्लियर। अब समझते हैं इसको डेफिनेशन से भी। देखिए, ए मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है ना, इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, और इसका कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, मैंने ये बताया आपको, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, क्लियर है यहाँ तक। एंड k, यहाँ पे k देखिए, k क्या है, एक स्केलर है, क्लियर। देन k a क्या है, वही स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। k a क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बात भी बोला जा सकता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये दोनों चीज़ वही है, ये वाला लाइन चाहिए ये वाला लाइन। तो ये के क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। देखिए, ये स्केलर है के और ए मैट्रिक्स है, क्लियर है यहाँ तक। ये एक अनदर मैट्रिक्स होगा जो कैसे मिलेगा भाई, तो विच ऑप्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके सारे एलिमेंट को, मैट्रिक्स ए के, किस से, बाई स्केलर के, क्लियर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और भी क्लियर होगा। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए, और जनरल वे में मैं लिख रहा हूँ इसे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और इसकी ऑर्डर क्या है, टू बाई थ्री की ऑर्डर है इस मैट्रिक्स की। अब आपसे पूछा जाए, बताओ कि ए क्या है, मीन सिंपल है, के का मल्टीप्लीकेशन किस से, इसी वाले मैट्रिक्स से, है ना जी। सो मैंने इस तरह से एक लाइन लिख लिया, के ए के, और यही तो ए है, क्लियर। अब आपको के ए जब निकालना होगा तो के को सारे एलिमेंट से, मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स के ए वन वन, के ए वन टू, के ए वन थ्री, के ए टू वन, के ए टू टू, के ए टू थ्री, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसका, ये मैट्रिक्स ए का और ये के का। के यहाँ पे क्या है, के ही आपका यहाँ पे क्या है, के आपका यहाँ पे स्केलर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। सो एग्जांपल एक और देखा जाए, जैसे कि लेट से एक मैट्रिक्स मान लिया जाए, एक मैट्रिक्स माना जाए, वन थ्री फाइव सेवन, एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने टू बाई टू ऑर्डर का, एंड के मान रहा हूँ मैं, एक मान लो के को थ्री, स्केलर मान लिया मैंने थ्री। अब मैंने पूछा मैं आपसे, मैं बताओ थ्री है, सिंपल के है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, ये के ए है ना, के की जगह पे थ्री पुट कर दिया, ए की जगह पे, तो क्या होगा, ये थ्री मल्टीप्लाई बाई वन थ्री फाइव सेवन, ऑर्डर क्या होगा, टू बाई टू का, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, ऐसे भी कर सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव, और थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन, है ना। थ्री को सारे एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी वन। सो ये भी एक मैट्रिक्स आ गया जिसको ऑर्डर टू बाई टू का है, मतलब जो ऑर्डर रहेगा, ये भी बात समझ लीजिए, जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा तो लास्ट रिजल्ट में वही ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। आप चाहे किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का होता तो यहाँ पे मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री आता रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, थ्री ए हो गया आपका, ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। सो प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है क्या। सो उससे पहले आप इसे नोट कर लें। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
सो अभी मैंने जो समझाया आपको उसकी ये प्रॉपर्टी है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बस। मैंने दो मैट्रिसेस मान कर रखा, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस मान रखा है जिसका ऑर्डर m बाई n जनरल वे में लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑल्सो लेट k एंड l आर स्केलर, यहाँ पे मैंने k और l भी मान रखा है जो कि स्केलर है, k और l क्या है यहाँ पे स्केलर है, क्लियर। तो देन दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, देखिए पहली प्रॉपर्टी a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन कैसे, मीन्स पहले आप a प्लस बी कर लीजिए, फिर इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ये a और b क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स है, सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा a प्लस बी करने के बाद उसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे स्केलर से, या फिर ऐसा कीजिए a मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन स्केलर से कर लीजिए और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन भी स्केलर से कर लीजिए और फिर ये दोनों के रिजल्ट को ऐड कर लीजिए, सो दोनों से रिजल्ट आपको सेम आने जा रहा है, क्लियर है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे मैं समझा देता हूँ आपको, पहला वाला मैं एग्जांपल के थ्रू एक पहला प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर दे रहा हूँ, वेरिफिकेशन उसका देख लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आपके पास, कब लेट ही किया हुआ है 1 3 6 9, और एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी 3 4 2 1, मैंने ये दो मैट्रिक्स मान लिया, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या मान लिया, कितने टर्म है, तीन ही टर्म है, के ए और बी, जिसमें ए और बी क्या है मैट्रिक्स और के क्या है स्केलर है, सो मैंने ए और बी मैट्रिक्स मान लिया और के यहाँ पे एंड के इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, ठीक है। नो पहले मैं LHS साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, LHS साइड सॉल्व कर रहा हूँ, LHS साइड क्या है के ए प्लस बी, सो सबसे पहले इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको a प्लस बी करना है, सो यहाँ पे मैं k की जगह पे k लिख लेता हूँ, क्लियर, और a प्लस बी, तो a मैट्रिसेस क्या है 1 3 6 9 प्लस 3 4 2 1, ये मैट्रिसेस भी लिख लिया, दोनों के ऑर्डर लिखने बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होते हैं बट तो भी मैं लिख दिया यहाँ पे। सो a प्लस बी और ये स्केलर बाहर में, सो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी देख लेते हैं क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है, सो मैं डायरेक्ट लिखूं 4 7 8 लास्टली 10, समझ में आ गई क्या होगा आपको, अरे ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं हम लोग। नो तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, 2 × 4 = 8, इस तरह दिखाना होगा क्या, 2 × 7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने बताया आपको सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, स्केलर से, किसके सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स के, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को 8 14 16 20, ये आपको क्या आ गया 2 × 2 मैट्रिक्स के, ये आपको क्या आया है अभी, ये आ गया आपको के ए प्लस बी, ये LHS साइड आपका ये आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसका राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड यहाँ पे देख लिया जाए, राइट हैंड साइड यहाँ पे देख लिया जाए, सो बहुत ही इजी वे में देखिए के ए प्लस के बी, के ए मीन्स 2 × किससे, ए मैट्रिक्स है 1 3 6 9 प्लस फिर 2 × बी मैट्रिक्स 3 4 2 1 3 4 2 1, सो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझो 2 1 2 2 3 6 नेक्स्ट 12 नेक्स्ट 1 18, क्लियर। और ऑर्डर लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, अभी आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझते जाइए, ऑर्डर लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, आपको और समझ में आएगा आगे देखिएगा, तो सो मैं यहाँ पे ऑर्डर अभी नहीं लिख रहा हूँ, 6 फिर क्या हो जाएगा 8 फिर 4 फिर 2, ये सिंपल समझ में आ रही होगी आपके बाद, मैंने सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको समझाया था, क्लियर। अब ये ऐड करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया जाए, ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 फिर यहाँ पे 14 फिर यहाँ पे 16 फिर यहाँ पे 20, सो ये आ गया क्या आपका, ये आ गया के ए प्लस
के बी, के प्लस के बी आया। सो देखिए ये दोनों रिजल्ट क्या सेम नहीं है, 8, 14, 16, 20। तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। और इस बात को आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे भाई, तो इसे आप नोट कर लेंगे और मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। इस बात को आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, मैंने अभी तक किया नहीं किसी प्रॉपर्टी में, इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए LHS ले रहा हूँ मैं, LHS के ए प्लस बी। तो देखिए इसे लिखा जा सकता है ए की जगह पे AIJ, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है बिल्कुल, फिर प्लस बी की जगह पे लिखा जा सकता है BIJ, M बाई N का मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक, लिखा जा सकता है बिल्कुल। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की जा सकती है, मैथमेटिकली की जा सकती है, बिल्कुल ही की जा सकती है। फिर ये क्या हो जाएगा, AIJ M बाई N, फिर के मल्टीप्लाई बाई बी आई जे एम बाई एन, क्लियर। सो अब देखिए ये के और इसकी जगह पे वापस से ए, और ये के और इसकी जगह पे वापस से बी। सो ये क्या आ गया, ARHS आ गया, चेक कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इसे इग्नोर करता चल रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस तरह से करना, क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये स्केलर है, एल बी स्केलर है, के बी स्केलर है और एल बी स्केलर है, और एक मैट्रिक्स ए है। सो आप के प्लस एल कर लीजिए पहले, और इसके रिजल्ट से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर के ए मीन्स स्केलर की मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के साथ, फिर ये दूसरी स्केलर है एल, तो एल की मल्टीप्लीकेशन फिर मैट्रिक्स के साथ, और फिर ये दोनों रिजल्ट को आप ऐड कीजिए, ये आपको सेम रिजल्ट देने वाला, ये आप खुद से चेक करके देख लेंगे। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो इसे आप नोट कर लें। नाउ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा। सो ए मैट्रिक्स में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो -A जो आएगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स का। सो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे, बट एक बार और देख लें अगर थोड़ा नहीं समझ में आया हो तो। सो अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय -A, -A से इसे डिनोट किया जाता है, किसी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। सो एंड इट इज डिफाइंड बाय, और इसे डिफाइंड कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल, -A जो होगा वो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय ए, यही बात मैंने अभी आपको बताया है। किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए जो -A होता है, तो आप इसी ए मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। तो एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिखा 1, 6, 5, 2, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, देन -A इसका, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -A, देन -A इज गिवन बाई -A इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई ए, क्लियर, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा। सो -1 और A क्या है, 1, 6, 5, 2, यहाँ तक समझ में आया सबको। सो आगे देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 मल्टीप्लाई बाई 6, -1 मल्टीप्लाई बाई 5, -1 मल्टीप्लाई बाई 2। सो आपको ये -1, -6, -5, -2, ये आपका जो मैट्रिक्स आया ये नेगेटिव मैट्रिक्स, यही क्या है, यही है आपका -A। सो -A क्या हो गया, नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया, किस मैट्रिक्स का, इस ए मैट्रिक्स का, सिंपल। सो
अभी इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखी थी। सो प्रॉपर्टी और भी होती हैं, काफ़ी होती हैं प्रॉपर्टीज। सो हम लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी कह रहा है। उसके बाद लास्ट में एंड में हर कॉन्सेप्ट के, हर एक्सरसाइज के, इंट्रोडक्शन के एंड में मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको देता ही रहूँगा। तो और जब सारे कॉन्सेप्ट लास्ट में अगर बच गए, कुछ कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं एक एक स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा। ओके, सो इसे आप नोट कर लें। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए, दो मैट्रिसेस, लेट से ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ए बी या तो आप बी ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी और बी ए के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंडीशंस ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। मीन्स जब आप ए बी करेंगे तो ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होना चाहिए, तभी आप ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब आप बी ए करने जाएंगे तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स और ए का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। मीन्स जब भी करें आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस का, पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूँ आपको, अब बस कॉन्सेंट्रेट करें। मैंने एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस मैं मान लेता हूँ, लेट ए आई जे, जिसका ऑर्डर एम बाई एन का मैंने माना, एंड एक मैट्रिसेस मान लिए बी बी आई जे, जिसको ऑर्डर एन बाई पी का मान लिया। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है ए बी को। तो देखिए, ये एन क्या बताता है, ये एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता, और ये एन किसे बताएगा, नंबर ऑफ रोज को बताएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले का और दूसरे वाले का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है। हेयर मैं इस बात को लिख देता हूँ, हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्लियर यहाँ तक? सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट ए बी। अभी बी ए का पता नहीं, मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, ए बी बी ए क्या होता है, कब ए बी एग्जिस्ट करता है, कब बी ए एग्जिस्ट करता है, कब दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, और जब दोनों एग्जिस्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम है, सेम आप भी सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे धीरे धीरे, अभी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए बेसिस पे। पहला मैंने कंडीशन बताया अभी आपको, ये पूरी बातें कंडीशंस पे हो गई कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कब, जब पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तब तो हम लोग ए बी हम लोग को यहाँ से मिल सकता है। अब बात है कि इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई। सो इस बात को मैं अभी जस्ट दो मिनट में बताता हूँ अभी तुरंत। सो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी करने के बाद, मीन्स दो मैट्रिसेस को का प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो लास्टली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, लास्टली द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मान लो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट से सी, मैंने सी मान लिया, सी आई जे, तो इसका ऑर्डर मैं अभी बता रहा हूँ और फिर मैं बताऊँगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा वो यहाँ मैं बताऊँगा। इसके ऑर्डर मैं सिर्फ बताता हूँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होंगे वो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो
वही रो नंबर ऑफ रो इसके होंगे। अगर इसके नंबर ऑफ रो m है तो इसके भी नंबर ऑफ रो m होंगे, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे मीन्स p, तो इसके भी नंबर ऑफ कॉलम वही होंगे। मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो m होंगे और नंबर ऑफ कॉलम p होंगे, मीन्स उसके ऑर्डर m बाई p के होंगे। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? अब मैं समझाता हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल, मैं एग्जांपल्स को बुक से ले लेता हूँ। मैं बुक से लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट, थर्ड का सिक्स पार्ट। इसमें बोला है कि ए मैट्रिक्स आपको बोल रहा है 3-1, 3-1, 0, 2, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी जो के है 2-3-1, 0, ये एक मैट्रिक्स और दिया है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट ए बी निकालने की बात कर रहा है ये। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसमें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है या नहीं। ए बी चाहिए तो ए के नंबर ऑफ कॉलम देखने होंगे और बी के नंबर ऑफ रो देखने होंगे इक्वल है या नहीं। सो इसके ऑर्डर क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर ही देख लें। इसके ऑर्डर है 2/3 के और इसके ऑर्डर है 3/2 के। सो देखिए पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो 3 हैं। सो ये मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। ए मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और बी मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो भी 3 हैं। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इस बात को भी बोर्ड पर लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 3 के इक्वल हैं। सो वी कैन गेट ए बी, हम ए बी या सो वी कैन मल्टीप्लाई ए बी, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी को, हाँ क्लियर। अब बात आती है हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें कैसे। तो मल्टीप्लाई, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। सो सबसे पहले आपका स्टेप ये होगा कि आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख लें यहाँ पे जनरल वे में। क्या मैंने बोला, रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखना है आपको जनरल वे में। देखिए समझिए, इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होंगे, ए बी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होंगे बताइए, तो उसके ऑर्डर क्या होंगे ये बताइए आप पहले। मैंने आपको इस बात को बताया है यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे। पहले वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो होंगे वही नंबर ऑफ रो इसके होंगे, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही नंबर ऑफ कॉलम इसके होंगे। मीन्स जो न्यू मैट्रिक्स होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, उसके ऑर्डर 2/2 के होंगे, क्लियर। तो इस मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है, उसको आप जनरल वे में लिख लें सबसे पहले, इजिएस्ट होगा। मैं ये बात बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, क्लियर। सो इन जनरल मैट्रिक्स या फिर इन जनरल द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 इज गिवन बाय ए बी होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा, क्या होगा भाई 2/2 का, a11 a12 a21 a22, ये तो समझ में आया होगा सबको। इसको समझ में नहीं आ रहा सो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें तो ये सब इजी वे में आपको समझ में आएगा, हाँ। सो अब आपने ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख लिया जिसका ऑर्डर 2/2 का है, अब आपको ये सारे एलिमेंट को फाइंड करना है। तो सारे एलिमेंट को फाइंड करने का तरीका जो ये है, एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखिए क्या तरीका है। A11 है, आपको सबसे पहले A11 चाहिए। सो A11 में ये जो पहला वाला 1 है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, दूसरा वाला 1 नंबर ऑफ कॉलम। सो ये 1-1 मल्टीप्लीकेशन में क्या बताएगा, ये 1 बताएगा, अगर आपको A11 चाहिए तो ये 1 बताएगा
कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो होना चाहिए, याद रखिएगा पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और ये दूसरा वाला वन बताएगा कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये वन बताएगा दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, और ये बताएगा पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो। क्लियर है? हमेशा इसका रो लेना है आपको और उसका कॉलम लेना है, और ये मैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए है ये। अब क्या करना है भाई, अब आपको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है और सारे को प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो देखिए, अगर आपको ए बी चाहिए और ए बी में पहला एलिमेंट ए वन वन है, तो ए वन वन में ये वन बता रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और ये वन बता रहा है कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहला कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको देखिए, इसको 3 को 2 के साथ, माइनस 1 को 1 के साथ, और ये 3 को इस 3 के साथ, और सब के प्रोडक्ट को आपको प्लस कर देना है। देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे आपको ए वन वन आ गया। क्लियर है? अब बात है ए वन टू का, तो ये वन बताएगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और ये टू बताएगा कि इस वाले मैट्रिक्स का, सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, क्या बताएगा, सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, एलिमेंट वाइज, इस 3 को इस माइनस 3 के साथ, इस माइनस 1 को इस 0 के साथ, और इस 3 को इस 1 के साथ, और सबको ऐड कर देना है। सो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से, फिर प्लस करेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, फिर प्लस करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब चाहिए A21। ये A21 क्या है भाई, ये 2 क्या बता रहा है कि अब A21 अगर आपको चाहिए तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो 2 लेना पड़ेगा और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम 1 लेना पड़ेगा, ये A21 बता रहा है। क्लियर? सो आप क्या कीजिए, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ रहे ना, पहले वाले एलिमेंट को एलिमेंट वाइज आपको मल्टीप्लाई करना, फिर सबको प्रोडक्ट कर देना, फिर लास्ट A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो ये आपको मैट्रिक्स अभी आने वाला है। सो इसका ऑर्डर तो 2 बाई 2 का होगा। अब इसे सॉल्व करना है सिंपली, सो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस 9, फिर यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये, फिर ये प्लस 3। क्लियर? यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे ये 0 हो गया, फिर ये 6 हो गया। क्लियर? यहाँ पे 3 हो गया, ये 0 हो गया, आप लास्ट में 2 हो गया। सो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। अब मैं इसका लास्टली रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 5 प्लस 9 14, फिर ये माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, फिर ये माइनस 2 प्लस 6 4, फिर लास्टली ये 3 प्लस 2 5। सो ये आपका मल्टीप्लीकेशन करके ए बी आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 का है। अगर आपको ये थोड़ा समझ कम आया है तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, और फिर एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हैं जिसको करेंगे तो और भी क्लियर होगा। जितना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। सो इसे नोट करें आप पहले। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस आपको दे रखा है, ए और बी, और बोल रहा है कंप्यूट कीजिए ए बी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिसेस का और नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए। सो ऑर्डर देखना है सबसे पहले हमको यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 2 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3 का। सो पहले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो इक्वल है, यहाँ पे ए बी पॉसिबल है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इस बात को लिख लेता हूँ कि हेयर नंबर ऑफ
कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये दोनों ही इक्वल है और किसके इक्वल है, टू के इक्वल है ये दोनों मैट्रिसेस, क्लियर। सो वी कैन मल्टीप्लाई ए बी। सो तो अब क्या करना है, तो अब आपको मैंने बताया था कि जनरल वे में रिजल्टेंट मैट्रिक्स को लिख लीजिए। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर आने वाला है 3x3 का। सो आप क्या कीजिए, नाउ इन जनरल द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज गिवन बाय, मीन्स 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए उस मैट्रिसेस के। सो मैं लिख लेता हूँ, ए बी आपका जनरल मैट्रिक्स होगा और इसके ऑर्डर 3x3 के, मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो ये आपका मैट्रिक्स हो गया जनरल वे में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 का है। अब आपको क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A21 चाहिए, A22 सारे एलिमेंट चाहिए। सो मैं यहाँ पे निकालता हूँ सारे एलिमेंट्स को। सो देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो A11 कहने का क्या मतलब है, A1 क्या बताता है आपको, A1 बताता है पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, और A1 क्या बताता है दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। सो इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को आपको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके उसका सम करना है। सो क्या होगा, एलिमेंट वाइज 2x1, फिर प्लस का साइन और 1x-1, क्लियर है यहाँ तक। सो अब नेक्स्ट क्या है, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो आपको फिर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए और सम कीजिए, 2 को 0 के साथ और 1 को 2 के साथ। सो यहाँ पे पोजीशन वही होगा A12 का, अपने पोजीशन पे लिखिएगा, तो 2x0 प्लस 1x2। फिर नेक्स्ट A13, 1 मीन्स पहला रो, 3 मीन्स तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2x1 एंड प्लस 1x1, ये हो गया पहला रो आपका कंप्लीट। अब सेकंड रो को कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 1 कहने का मतलब क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 2 1, 2 मीन्स सेकंड रो, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, मीन्स 3x1 प्लस 2x-1, क्लियर। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स 3x0 प्लस 2x2। फिर A23 चलिए बोलिए आप ही, इसका सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम मीन्स 3x1 प्लस 2x1, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको बात। अब A31 पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स -1x1 प्लस 1x-1, ठीक है। फिर A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1x0 प्लस 1x2। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1x1 एंड प्लस 1x1, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स तैयार होने जा रहा है। सो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा इसको, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2-1, क्लियर है ना, 2 यहाँ पे प्लस होता, हाँ प्लस -1 होता
सो प्लस माइनस माइनस ये सब आप कर सकते हैं खुद से, माइनस वन है ना। सो ये ज़ीरो प्लस टू, ये टू प्लस वन, नेक्स्ट थ्री माइनस टू, नेक्स्ट ज़ीरो प्लस फोर, नेक्स्ट थ्री प्लस टू, माइनस वन माइनस वन है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ज़ीरो प्लस टू, फिर माइनस वन प्लस वन, ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स होने वाला है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, वन फोर फाइव, सॉरी माइनस टू, माइनस टू टू ज़ीरो। सो दिस इज योर आंसर ए बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कुछ और बातें मल्टीप्लीकेशंस के ऊपर और कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट करें और इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें ये बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है, पहला पॉइंट है ये कि हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करे और बी ए एग्जिस्ट ना करे। देखिए, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, पहला पॉइंट बोल रहा है ए बी में एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करे एंड बी ए मे नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है बी ए एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए आई जे, जिसको ऑर्डर है टू बाई थ्री का, और एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ बी 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 बी, जिसका ऑर्डर है क्या ले लूँ, थ्री बाई थ्री का, है ना। सो एग्जाम्पल नंबर वन है और पॉइंट नंबर वन को समझाने के लिए। सो देखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा और बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप होशियार हो तो चेक कर लो, मैं बताता हूँ ऐसे। यहाँ पे देखिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए जो कि थ्री है ना, और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी जो कि ये भी थ्री है, दोनों का दोनों इक्वल है, इसलिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या चेक करेंगे? इसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और ए का नंबर ऑफ रो। देख लो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम बी के थ्री हैं, बिल्कुल इक्वल है। देख लेते हैं भाई, ऐसे इक्वल का साइन अभी फिलहाल दे लेते हैं। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टू हैं, नहीं इक्वल है। सो ए बी एग्जिस्ट कर सकता है और बी ए एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि हो सकता है बी ए एग्जिस्ट करे, ए बी एग्जिस्ट ना करे, जस्ट इसका कन्वर्स वाली बात है। तो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं भी थोड़ा कन्वर्स कर देता हूँ, इसे मैं बी बना देता हूँ और इसे मैं ए बना देता हूँ, हो गया। यहाँ पे अब बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करोगे आप खुद, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, बट यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। हाँ, इसे आप खुद ही चेक करोगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोलता है कि ए बी और बी ए, हो सकता है ये दोनों ही एग्जिस्ट ना करता हो, मे नॉट एग्जिस्ट, ए बी एंड बी ए बोथ मे नॉट एग्जिस्ट। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए आई जे थ्री बाई थ्री की मैंने मैट्रिक्स लिख दी, और एक बी लिख दे रहा हूँ मैं मैट्रिक्स बी आई जे वन बाई टू की लिख देता हूँ, वन बाई टू की। यहाँ पे देखो, चेक करो आप, मैं सारी बात अब लिखूँगा नहीं। देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम थ्री हैं, इसके नंबर ऑफ रो वन है, इक्वल है क्या? नहीं, ए बी एग्जिस्ट नहीं करता है। बी ए, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम देखो, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टू हैं। दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो कितने हैं, थ्री हैं, इक्वल हैं क्या, टू थ्री इक्वल होते हैं क्या, नहीं। तो ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
तो लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हो सकते हैं ए बी भी एग्जिस्ट कर जाए और बी ए भी एग्जिस्ट कर जाए, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। सो इसे देखते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ। सो देखिए, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो, इसके एग्जांपल से मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, सिंपली एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए आई जे, जिसका ऑर्डर है 2x2 का, और एक बी मैट्रिक्स लिख दिया बी आई जे, जिसका भी ऑर्डर 2x2 का। यहाँ पे आप चेक करो, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है क्या? ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, दोनों ही 2 हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो देखो ना, सब तो इक्वल ही है, सब तो 2 ही है, है ना? तो क्या है, इक्वल है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, सो दोनों एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर सेम लिख दिया मैंने। सो अब बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करे, और ऐसा हो जाए कि ए बी और बी ए का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इक्वल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल ना हो। समझ में आ रही बात ना? ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर गया, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, तो ऐसा भी हो सकता है लास्ट में कि ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स और बी ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये इक्वल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स और बी ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल ना हो। सो सबसे पहली बात, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए का, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए का, 1, 2, 2, 3 एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने क्या, ए। अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बी, -3, 2, 1, -2, क्लियर? ये आप चेक करोगे खुद से इसमें कि यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, बट दोनों इक्वल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसके लिए ए बी और बी ए दोनों का दोनों इक्वल होगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 5, 4, 4, 3, ठीक है, और मैं बी लिख दे रहा हूँ -3, 4, 4, -5, क्लियर है? यहाँ पे आप खुद ही से चेक कीजिएगा, ये दोनों मैट्रिसेस में यहाँ पे क्या होगा, ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करेगा और दोनों ही का आंसर सेम आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और इसी टॉपिक में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जिसकी वजह से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पहले से लिख रखा है कि कम टाइम में आपको मैं समझा सकूँ सारी बातें। सो देखते हैं प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिसेस मान कर रखी है, एक ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, सी मैट्रिसेस, सारे के ऑर्डर हैं एम बाई एन के हैं, इसके एन बाई पी के हैं, इसके पी बाई एम के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, लॉ है, वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अभी जस्ट मैंने आपको ही बताया कि ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इसमें मैंने लिखा है, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आगे आपको समझ में आएगा ये इक्वल और नॉट इक्वल की बातें, आपको बिल्कुल इजी वे में आप खुद ब खुद एग्जांपल लिखोगे बस नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी है, और यहाँ पे भी ए बी सी है, आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, और इसके रिजल्ट से आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ए बी को पहले कर लें और इसके रिजल्ट से आप सी से मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। बट कंडीशन यही है कि ये ए बी सी का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, इस जैसे ये लिखा है इसकी जगह पे आप ऐसा ना लिख दें, सी पहले लिख दें और ए बी बाद में लिख दें, तो फिर गलत हो जाएगा ये बात, है ना? सो एकदम सेम ऑर्डर में होना चाहिए ये सारे ए बी सी, क्लियर है?
सो एसोसिएटिव लॉ भी हो गया. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव. सो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, एक जैसा. यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है. आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे जो रिजल्ट आए बी प्लस सी पहले करके और फिर ए से आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ए बी को मल्टीप्लाई कर दें फिर ए सी को मल्टीप्लाई कर लें फिर दोनों को प्लस कर लें, दोनों के रिजल्ट को प्लस कर लें, ये भी कर सकते हैं. या फिर ऐसा दिया रहे ए प्लस बी और सी, तो फिर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी. देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी सी, तो फिर ए सी के साथ. ऐसा नहीं सी ए नहीं कर दीजिएगा, या सी बी कर दीजिएगा, सी ए या सी बी कर दीजिएगा तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस हो जाएंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मीन्स एक मैट्रिक्स ए में किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो वापस से ए मैट्रिक्स ही आ जाए. जैसे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ए मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस से आ जाए. तो आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. याद होगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में. तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है मल्टीप्लीकेशन केस में वो वन की तरह बिहेव करता है, वन की तरह बिहेव करता है. क्लियर है? तो ये आई से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए. और ये जो चीज़ें चलेंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेंगी. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है. याद है आपको ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है. ठीक है, तो ये जो बातें होंगी ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, सो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी. और ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका 2x2 तो इसका भी 2x2 है ना. याद है ना आपको 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसका डायगनल एलिमेंट क्या हो, क्या हो, सिर्फ वन हो. और एक बात और, डायगनल मैट्रिसेस जो लिखा जाता है, डायगनल मैट्रिसेस जैसे लिखा जाता था ना कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0, ये डायगनल मैट्रिसेस है 3x3 का. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 कॉमा दे दें, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है डायगनल मैट्रिसेस को. सो यहाँ पे क्लियर है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसे हम लोग 3.4 एक्सरसाइज में देखेंगे, इस पर कोई डिस्कशन नहीं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस. जब आप दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट जो ए बी जो है वो आपका जीरो आ जाए. द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है, कैन बी जीरो मैट्रिक्स, उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाए. जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, ये बी मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट ये दोनों का प्रोडक्ट करके आप देखें जीरो आ जाएगा. क्लियर है? अब इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी होती है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर. जब इफ ए बी जीरो हो जाए और ए जीरो ना हो, ए जीरो मैट्रिक्स ना हो और ए बी जीरो हो गया है. देखिए ए बी जीरो हो जाए और ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ए को हम लोग कहेंगे लेफ्ट जीरो डिवाइजर ऑफ ए बी. ये ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट जीरो डिवाइजर. उसी तरह राइट जीरो डिवाइजर. जब ए बी जीरो हो जाए और बी जीरो ना हो, ए बी जीरो हो जाए और ये बी जीरो ना हो, तो हम लोग बी को बोलेंगे कि ये राइट जीरो डिवाइजर है ए बी का. क्लियर? तो ये सारी लॉ समझ में आई आपको, कॉम्यूटेटिव ऐसे. अच्छा, कॉम्यूटेटिव लॉ में एक बात और होती है क्या, कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, होता है ना, कभी हो सकता है ना, तो देन वी से डैट, देन वी से डैट ए एंड बी आर कॉम्यूट. ये ए और बी को कॉम्यूट बोला जाएगा. और अगर ऐसा हो जाए, मैं इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ से यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट था कॉम्यूटेटिव लॉ में, और ये सेकंड पॉइंट है कॉम्यूटेटिव लॉ में, कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए, देन
ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट, ये एंटी कॉम्यूट कहलाएगा। क्लियर है? कौन? ए और बी। कब? जब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी हो जाए तो। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, बस तुरंत ही देख लेते हैं उसे भी, इससे जब तक आप नोट कर लें। सो लास्टली हम लोग ये तीन पार्ट और देख लेते हैं। इससे पहले जो अभी हम लोगों ने 6 पार्ट देखे हैं वो फुल एनसीईआरटी के थे। सो ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, और भी एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में। सो यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, सो ए पे पावर एन प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर एन इन टू ए। मीन्स अगर ए पे पावर फोर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पे पावर थ्री इन टू ए। क्लियर है? अगर ए पे पावर फाइव है तो हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर फोर इन टू ए। क्लियर है? ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारे मैट्रिसेस हैं ए बी। क्लियर? उसी तरह से लास्ट वन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और इसके दोनों के भी ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल है मैट्रिसेस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ये क्लियर है यहाँ तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इसे नोट कर लें।